दोस्तों नमस्कार, मैं आरडी सेकंड ग्रेड भर्ती अभ्यर्थियों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके जॉइनिंग के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग जो थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आरपीएससी त्वरित रूप से सेकंड ग्रेड के जो फाइनल परिणाम है वो जारी करेगी। उसके पश्चात मंडल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा के अनुसार हमको एक महीने के भीतर भीतर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जहां तक संभव है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी आप सब लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। और कट ऑफ की बात करें हम लोग साइंस विषय को लेकर, तो साइंस विषय की जो कट ऑफ है, वैसे आप लोग सब अवगत है कि कितने क्या कट ऑफ जाएगी। जिस हिसाब से अभी लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया है और लैब असिस्टेंट के रिजल्ट की जो अनुमानित कट ऑफ है फाइनल, वो लगभग वही गई है जो हम लोग अनुमानित कर रहे थे। 5-6 नंबर ऊपर से 6 नंबर तक ऊपर बढ़ी है जनरल की कट ऑफ। अगर इसको हम लोग ध्यान में रखकर ये चलें कि सेकेंड ग्रेड की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। साइंस विषय की जो कट ऑफ है वो लगभग, अगर हम लोग 2000 से जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, टोटल 2440 हैं वैसे लगभग, तो हम लोग कुछ बच्चे एबसेंट भी रह गए हैं और कुछ अपात्र भी घोषित हुए हैं अपने इस काउंसलिंग में। तो इस हिसाब से जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो अप्रॉक्स 2200 के लगभग हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो फाइनली जो लड़के सेलेक्ट होंगे वो 1172 होंगे, और 1172 लड़कों को सेलेक्ट करने में जो बाकी के जो लड़के लेफ्ट होंगे उनको बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम 10 से 12 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी मेरे हिसाब से। जिस अगर हम लोग लैब असिस्टेंट को आधार मानते हैं, और मान सकते हैं क्योंकि उसमें भी वो भी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी और जीके का क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और जीके के क्वेश्चंस आते हैं, बनिस्पत हम लोग देखें पेपर को मॉडरेट करके चलते, तो पेपर लैब असिस्टेंट का ईजी था। सेकेंड ग्रेड का जो पेपर साइंस का था वो काफ़ी हार्ड था। आप लोगों ने पेपर दिया है, देखा है, आप लोग भी अनुभवी हैं और आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी भी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक का जो मेरा 10-11 महीने का जो अनुभव है, मैंने लोगों से जो बातचीत की है और लोगों के जो नंबर्स वगैरह जो देखे हैं, जो लिस्टें भी बनाई हैं आफ्टर प्रोविजनल रिजल्ट, और पहले भी हमारे पास लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्क्स लड़कों के ज़्यादा है नहीं। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि फाइनल जो रिजल्ट के अंदर जो कट ऑफ बढ़ेगी वो लास्ट 10 से 12 नंबर बढ़नी चाहिए, ज़्यादा बढ़े तो 15 नंबर बढ़नी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर 15 नंबर बढ़ा के हम लोग मानते हैं तो जनरल की कट ऑफ लास्ट है 224 तक जाती है। 224 प्लस माइनस 2 मान लीजिएगा आप लोग, 224 प्लस माइनस 2 जनरल की कट ऑफ होती है। और ओबीसी की कट ऑफ लास्ट आप ये देख लीजिएगा 210 से 15 के बीच में रहने वाली है, और एससी की कट ऑफ लास्ट 193 से 95 के बीच में रहने वाली है, और एसटी की कट ऑफ लास्ट 170 तक जा सकती है। बाकी जो भी होगा वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आरपीएससी बहुत जल्दी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपके सामने रख देगी। आप लोग को एक बार फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद।